फाइनली अपना डायमंड का फुल्ली एन्चेंटेड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ हमारा लैपिस लाजुला। ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज के वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट में अपनी सर्वाइवल सीरीज, और पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने एक डायमंड का फुल्ली आर्मर रेडी करा था। सो आज के वीडियो में हम उसको पूरा एन्चेंट करने वाले, तो देखते हैं वीडियो में क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस ये है वो मेरा पूरा आर्मर जो कि मैंने मतलब बनाया था और मैंने सजा के रख दिया इसको, बिकॉज मैं इसको अभी तोड़ना नहीं चाहता। मेरी इसमें 1.5 घंटे की मेहनत लगी इसको बनाने के लिए। एंड ये टूल्स आ गए ये बेचारे टूल्स मैंने यहाँ फोटो फ्रेम में रख दिए। अभी मैं पूरा आयरन का आर्मर यूज कर रहा हूँ एंड आयरन के टूल्स या। और अभी मेरे पास है 2 डायमंड। ये 2 डायमंड मैं ऑफलाइन से ही माइनिंग करके लाया था, बिकॉज आज हमको बनानी एक एन्चेंटमेंट टेबल। सो एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए 4 ऑब्सीडियन बुक और 2 डायमंड लगते हैं। तो यार पहले बाहर हो रही है रात, रात को बिल्कुल काम नहीं करते तो हम पहले सो जाते हैं। लेट्स गो, गुड नाइट। एंड हाँ आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको वो दिख रहा है, आप इसको कमेंट करके बताओ आपको कैसा दिख रहा है, मतलब क्या हो सकता है। चलो मैं ये बता देता हूँ, ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा था एक आयरन गोलम फार्म जिससे मैं इनफिनिट आयरन मिल सकता है, बट पता नहीं भाई मेरे को क्या हुआ, मैंने इतना गंदा बनाया, ऊपर से मेरे पास नेम टैग नहीं है। मैंने इसको अबंडेंट नहीं छोड़ दिया यहीं पर, मैंने कहा छोड़ो भाई इसको, इस पर बाद में काम करेंगे, मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी। एंड हाँ एक और चीज दिखाता हूँ आपको, लेट्स गो। अबे उतरना, ऐसे थोड़ी जाएंगे हम, हैं अब हम हो गए पीरो प्लेयर। ये बूम या देखा, ये दिखा रहे थे मैं आपको, ये मैंने छोटा सा एक मुर्गी फार्म बनाया गाइस। या यहाँ पर आओ आप मुर्गी को यहाँ पर दाने खिलाओ, एंड बस जब एंडर ड्रैगन फाइट होगी इन्हीं को मार के इन्हीं का खाना ले जाएंगे, बिकॉज वहाँ पर नॉन वेज फूड ज़्यादा अच्छा रहता है, तो सेचुरेशन मतलब हमारी हाई रहती है, समझ रहे गाइस पीरो प्लेयर। तो मैंने भाई इतनी ऑफलाइन यहाँ पर मैंने शुगर केन्स लगाए, अब मैंने मतलब यहाँ से वीट हटाए थे, यहाँ पर मैंने बहुत सारे शुगर केन हटा दिए थे, बिकॉज मेरे को पहले से ही पता था कि मैं ऐसा कुछ काम तो करूँगा ही, मेरे को बुक शेल्फ ही बनाने हैं। पहले चलते हैं उधर, पहले अपने डायमंड के पिकैक्स लेके आते हैं, बिकॉज ऑक्सीडेंट टूटने वाला है हमारे डायमंड के पिकैक्स से। बड़ा दुख हो रहा है उसको यूज़ करने में, बट कोई बात नहीं, यूज़ तो करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। पहले इसको यहीं पर रखो, मेरे पास एमलेट देखो 14 ब्लॉक्स एंड 2, कैलकुलेट कर लो मेरे को नहीं पता। ये लो आ जा ब्रो, और कितने अच्छे लग रहे अब तक यूज भी नहीं करी इसी, तो ऑक्सीडेंट तोड़ूंगा इससे। अरे यार आए ना हाथ में, लेट्स गो रुन नेदर पोर्टल। नेदर पोर्टल तोड़ी, अब यहाँ पर एक लावा पूल भी है वो भी तोड़ सकता हूँ मैं, बट इसका कोई काम नहीं है तो आ जाइए वहाँ, वो रहा लावा पूल, आइए आपका इंतजार था। अब एक क्राउन ऑक्सीडन भी है, ये मैंने अभी तक लूटा पता नहीं क्यों, ये मेरे को इसका समझ ही नहीं आ रहा है, पोशन बनाने के लिए यूज होता है थी। तो हमको चाहिए 1 2 3 4 4 चाहिए हमको। तो डायमंड पिकैक्स दिखा दे अपना, जला तोड़ दे जल्दी, बूम आया। ओ नहीं रुको, मेरे पास ऑब्सिडियन पड़े हैं, मेरे पास ऑब्सिडियन पड़े हैं शायद, मज़ा आ जाएगा पड़े होंगे तो, मैंने खाली खाली यूज़ कर लिया अपनी। लेट्स गो, ये शायद मेरे को किसी चेस्ट में से ही मिले थे, मेरे को लग रहा है वो होंगे ऊपर वाली चेस्ट में, इसमें नहीं है ऊपर वाली चेस्ट में हूँ, मैंने अपने बेड के बगल में जो कीमती चेस्ट रखी है ना। ओपी ये देखो यहाँ पर मेरे पास 5 ऑब्सीडियन पड़े हैं। चल भाई इस चेस्ट में बुक्स पड़ी थी या बूम, अब बनेगा हमारी एन्चेंटमेंट टेबल। वाई 5 ऑब्सीडियन है मेरे पास, 2 डायमंड नहीं है, डायमंड लोगे उसको रखूंगा कहाँ पर। हेलो हाँ ना यहाँ पर लगा लेंगे उसको, उसको कितना चाहिए होते बुक शेल्फ 30 ही होते ना, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या भाई, तुम हटो। मैं यहाँ पर 2 टेबल की लगाई थी भाई, यार कोई सर्वर नहीं है इसमें, कोई नहीं आता और मैं ही हूँ बस अकेला, उड़ा लो मजाक। यस जी भाई एन्चेंटमेंट टेबल जैसे स्मोकर है ये हमारी एन्चेंटमेंट टेबल, इसको लगाएंगे हम इधर, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, हाँ आ तो जाएगा यहाँ पर। एक और एक्सपेंड कर देंगे इसको, हो जाएगा क्या भाई, अच्छा दिखाने के लिए तो एक और एक्सपेंड करना पड़ेगा। बूम पहली बार नहीं हुआ, अब यही वो देखोगे आप, जो नहीं होती वही देखते हो ना। थोड़ी सी वुड काट लेते हैं, काम तो हो जाना चाहिए, 56 है हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पर, डार्क ओक का है और बर्च का है, आलसी
भाई डायमंड का क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, ज्यादा पैसे आ रहे क्या? बस ठीक है, मेरी दानी दाने मेरी दाने बचपन का प्यार में तू नहीं। ठीक है एक कम पड़ जाएगा आई थिंक। अरे रुको यार, तुम गरीबी दिखा रहे हो ना मेरे को अपनी, ये ऑड सा लग रहा है तो इसको हट जाइए जरा, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। हट 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 हट, निकल निकल गया। पानी दो, मेरा पानी तो फ्री का नहीं आता, जल्दी जीवन है चलो। चलो भाई कंक्रीट देखेगी तुम मेरी महबूबा। ओ एक ही निकाला इसने, डुम बुम। चलो ये सब भी सेट है, डन। चलो आजा भाई, कहाँ है भाई? और भाई कदा डायमंड लाया? मैंने डायमंड नहीं लाया। रुको यार पहले इन एंट्री खाली करो। बुरा मान गया यार तुम तो, रखे तो रखे। अभी इसमें डाल दो यार, रुको यार भाई तुम, फिर कर लूँगा इनको मैनेज। मैनेज करते ही मैं रह जाता हूँ। और ये आ जा, ये चले जा, तेरे को तो नहीं जाने देंगे। बुक चाहिए हमको, दो डायमंड चाहिए। अरे ये क्यों लेके घूम रहा हूँ मैं? ठीक है लेट्स गो। इसमें हमारे दो डायमंड्स, ठीक है। जियो का बॉक्स नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ा मैसे नहीं बनाएंगे। अच्छे बच्चे हैं, मैसे बनाएंगे। धूम ताना ना 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 ना, धूम ताना ना 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 ना। ओप्स, दो डायमंड बर्बाद करके अच्छा तो लग रहा है। अरे कुछ वो तो दो यार, तुम वो ही नहीं देते रहे एडवांसमेंट वगैरह टू। अरे लजुली भी तो चाहिए इसको, बहुत बढ़िया लजुली पड़ा है मेरे पास, मज़ा आ जाएगा लजुली पड़ा होगा। अरे नहीं यार पैसा बर्बाद तो नहीं होगा। रजुली जिए तो जिए कैसे, चार एक तो बुक्शेल बने हैं। चलो कोई बात भी लगा देते हैं, अभी लेके आएंगे यार रजुली, तू यही रह बस। एक दो तीन और ये चार, कैसा महसूस हो रहा है? चाहिए तुमको, देते यार भैया। सुबह उठते हैं, बुक्स बनाते हैं, बुक शेल्फ बनाते हैं, लजुली लेके आते हैं। पहले लजुली नहीं चले गया, चलो पहले लेके आते लजुली। एक सेकंड, लजुली ऐसे मिलेगा कहाँ? क्या ही गड्ढा होगा यहाँ पर, एक गड्ढा था यार वो। मैं पता है यहाँ से एक गड्ढे से गया था जो मेरे दो डायमंड लेके आया हूँ ना, और गड्ढा कहाँ है? यही है क्या? या गड्ढा यही है। जल जल के दिखला जाओ, लाओ कप सीढ़ी बना दियो विजय भाव, चले चलते हैं यार, क्या ही कर सकते हैं यार, लेट्स गो। हम ना करते भैया वाटर बकेट, व्हाट इज वाटर बकेट? आई डोंट नो व्हाट इज वाटर, व्हाट इज वाटर। अरे माइनशाफ्ट, मेरे को नेम टैग चाहिए था ना। एक चेस्ट, वो टॉर्च भी है, एक चेस्ट उसमें नेम टैग। चाहे तुम 10 डायमंड दे दो मेरे को नीचे, एक नेम टैग बस।
अरे मैं आया कहाँ से था वो भी तो याद रखना है, आया कहाँ से था मैं। जाना चाहिए क्या? मैं तो बहुत डल लग रहा है, मैं तो बहुत डल लग रहा है। अरे भाई चमगादड़ भैया की हाल है? राइट में स्पॉनर शायद। तलवार निकाल ली जाए। ए खुदा दिल बोल दे तेरे बादलों को, तेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। फूड फुल रख लेते हैं। भैया तुम तो केव स्पाइडर हो ना, बिग फैन। मैम सॉरी मैम, मैम को कोपचे में ले जाके मारना पड़ता है। आइए मैम भागो भाई। अरे हिप्पोपोटामस कहाँ है यार? कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से आया था। अरे वो छेद गांगे, मैंने यहाँ पर तो लावा ब्लॉक करा था वो। हाँ इधर ही भटकता जा रहा हूँ यार मैं बार बार। वो आंटी 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 आई है, आंटी आ रही है। आंटी जी फैन, आंटी जी। अरे मैं आया कहाँ से था? अरे एक लजूली ढूंढने आया हूँ यार मैं, तुम सिर पे चढ़ जा रहे हो। ओके मैं यहाँ से आया था। ठीक है। हाँ अरे तुम ऐसे क्या कर रहे हो यार? ये देखो भाई आते ही लैपिस लजूली, बहुत बढ़िया। मैं ये ले रहा और सटक रहा यहाँ से, मैं दिखूंगा ही नहीं। ओपी कितनी हो गए मेरे पास? 15। थोड़ी और मिल जाती तो बहुत बुरा हो जाता। डायमंड नहीं, बताते हैं उनको डायमंड चाहिए, गोल्ड ही दे दो। लापिस मैं आ गया। ऊपर से नहीं यार, प्लीज आज एक अच्छी किस्मत दे दो प्लीज। माइनक्राफ्ट के देवता मेरे सुन लो, भर दो झोली और कुछ डायमंड, भर भर के लैपिस। कितनी हो गई? बस भैया मैं तो बस ऐसी ही देखने आया था और क्या। नहीं दीदी आपकी बहुत गंदी आंखें वाली दिख गई। गंदे यहाँ पर नहीं फंसना। बस बेटा इतने ब्लॉक में पहुंच जाऊंगा। मैं अपना पानी भी पर ब्लास्ट कर दिया। यार आयरन लेना भी मैं छोड़ा, मैंने फुल सेट है मेरे पास डायमंड का, बट नहीं आयरन हमारी जान है। जब आयरन मिलता है उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं होती। ओ पहुंच गया मैं, ये तो एक स्टैक भी खत्म नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। चलो गाइस हम लैपिस लेके भी घर आ चुके हैं एंड अब बनाने मेरे को बुक शेल्फ्स। या वेरी डेंजरस। अरे भैया माइनिंग सेशन भी खत्म हुआ हमारा फाइनली एंड हमारी लापिस लुपिस ये रहे। गोल्ड दे दीजिए थोड़ा, इसको पिघला देते हैं यहीं पर।
ये सर गोल्ड पिघलाइए, इसमें देना थोड़े को ये वाले में, आप पिघलाइए ये गोल्ड को, लेट्स गो। ओके पहले सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के मस्त अपने एन्चेंटिंग वगैरह करेंगे। ओके हो चुकी है गुड मॉर्निंग। आय हाय यार, पहले बुकशेल्फ बनाने पड़ेंगे, लैंटर्न रखेंगे भैया, अब हम हो गए महंगे लोग। लापिस लाजूला वो लेवल नहीं है ना, एक्सपी फार्म ओपी बनाना पड़ेगा अब हमको। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बहुत सारे शुगर केन, आई मीन पेपर। दीदी भाई आप इतनी दूर से हमको देख रहे हो गंदी गंदी नजरों से, पहले रुको यहाँ पर पेपर पड़ा है मेरा, शायद पड़ा है पर थोड़ा, लव यू। लेदर पड़ा है मेरे पास, लेदर पड़ा होगा, पेपर पड़ा है, लेदर लेदर लेदर, ये रहा तीन ही लेदर पड़े क्या। यू नो व्हाट टाइम इट इज गाइस, जो जो भी थोड़ी इन चीजों से डरते हैं वो वीडियो भी मतलब हिट तो मत ही करो। अच्छा हूँ मैं भी तो मारूंगा ना किसी को, बस थोड़ा लेदर मांग लूंगा कि थोड़ा अपने बॉडी का चमड़ा देना। फसल काटने का सीजन ही आया, गन्ने काटने का आ चुका है। थोड़े गन्ने हमारे यहाँ भी उग चुके हैं। शुगर केन से पेपर कहाँ बनता है, पेड़ से बनता है ना, माइनक्राफ्ट है भाई, कुछ भी हो सकता, मर्जी है भाई। ओके ट्वेंटी फोर हो चुके हैं हमारे पास, आइए आइए। हैव सम लेदर, हैव सम नहीं, गिव मी सम कुछ, आइए आइए आइए, लेदर दीजिए हमको, हमको फ्री में लेदर दीजिए, आइए आइए आइए। अरे कुछ नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, नहीं होना बिल्कुल दर्द, देखा कहा था ना मैंने, आइए आइए, कुछ नहीं हुआ ना, बस आपको कुछ नहीं होगा। देखो उनको कुछ उनसे पूछ ले जाके, वो रहेंगे तभी तो पूछेंगे ना। आइए बहुत बढ़िया, तेल लदर को सेवन ही हुआ है बस, चाहिए मेरे को अच्छा खासा चाहिए लदर को। बूम, कोई और बचे, अपने ग्रुप से कहाँ लग जा रहे हो, कहाँ जा रही हो, तब तो देखो सुनो। हाँ मेरे को एक चीज़ देखनी थी, देखो ये क्या है, पिंक डाई, इससे बनेगी पिंक डाई, ये एक फूल जिससे बनी हमारी पिंक डाई, एंड ये देखो आइए आइए, अभी बन गई हमारी पिंक शेप। ओ माय गॉड पिंक शेप, कैसे यार ये तो ऐसे बना सकता कोई भी, बट कितना 10 लादर मतलब 20 होगा, 10 से काम चलाना पड़ेगा, एक देख के आते वरना लगे हाथ। सोना बायोम में होती है क्या, कोई गाय नहीं दिख रही है, उधर है क्या कहीं, तो हो गई यार वो सैडल नहीं, वरना मेरे को कोई टेम करना था इनसे, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अया ऐसा मत कर यार, बड़ी दिल निकाल दे थोड़े दिल, बहुत बढ़िया माउस हो गया ना, अजय स्वाद माउस डेड। सो गाइस मैं अपना सस्ता टिकाऊ जुगाड़ ले तो आया, बट ये होपफुली चल जाए, कितना छोटा है मेरा हाथ भी नहीं आ रहा है, दिख भी नहीं रहा है, ओह मैं इससे कंट्रोल में है, ओह मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा है, किस खेल में इससे, अरे कितना अच्छा वो है, अरे क्या है, अरे इसको वो भी काम नहीं कर रहा ढंग से, हाँ ठीक है, अरे क्या है यार ये हाथ में लगा दी ऐसा लग रहा है मेरे को, क्या ये, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल दोबारा घर पे चलते हैं एंड अब बुक्स बनाते हैं, फिर बुकशेल्फ बनाने, फिर एन्चेंटमेंट टेबल बननी है, फिर बनना है ओवर पावर्ड, लिटरली इसको दो उंगली से कंट्रोल कर सकता हूँ, अपना पूरा हाथ नहीं लगा रहा अभी ऐसे दो उंगलियों से,
ऐसे तो उंगली से कंट्रोल कर रहा हूँ पर हाथ ही नहीं आ रहा मेरे इसमें। और हमारा घर भाई ये सही है, मस्त माउस चेंज करते रहो अपना। मैंने देखी हुई वीडियो एक, उसमें एक बंदा अपना कीबोर्ड चेंज कर रहा था जैसे मर रहा था ना बैड बॉल में। ओ इसमें वाटर बकेट ट्रिक करके देखते हैं भाई, तगड़ा ही माउस है भाई। एक मिनट रुको, लेट्स गो। एंड कहाँ के सारे पेपर दो पहले हमको, नहीं अब यहाँ से पहले पेपर रखते हैं। ऐसे बनता है ना, कैसे बनता है ऐसे, कुछ तो कर दिया, कुछ तो होता था। बुक बनाने के लिए हमको हैं, अच्छा ये भी ठीक है भाई, सिर्फ इतने ही चाहिए। ये आगे ढेर सारी बुक्स हटी, अभी एक चुटकी में खत्म हो जाएंगे, इससे सिर्फ दो बुक शेल्स बनेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे शुगर केन है, मतलब इतने बहुत सारे भी नहीं है, ठीक है 62 है, लेदर बहुत कम है मेरे पास। लेदर की हड़ताल चल रही है, चलो फिलहाल इतने से ही इंचेंट करते बिकॉज रिसोर्सेज की बहुत कमी पड़ रही है, तो बात नहीं चलेगा इतना भी। एंड नाउ हमारी वुड गाय माइनक्राफ्ट सीखोगे, हेलो चलो के बुक शेल्फ बनाने हमको जितने बनते हैं, 3 और बनने ठीक है, एटलीस्ट 9 लेवल की तो एक मिल ही जाएगी हमको। अरे यार सिर्फ टच ही इसको तोड़ने के लिए भी, कोई बात नहीं चलो हम एंचेंट करते हैं हमारा डायमंड का पूरा आर्मर तो नहीं हो पाएगा बट जितना होता है उठा लेते हैं। आओ यार तुम जेल में तो आओ, भैया तुम काहे शर्मा रहे हो, आइए स्टोन कटर कहाँ गया, काफी ज़्यादा नौकरी पर लग जा भाई, लेट्स गो। पहले सो जा, पहले सो जाओ, सोने के बाद सब ठीक है। लजुली लाना भूल गया, लजुली इसमें लगा था मैंने, अरे नहीं रे फिर इसमें लजुली, लजुली इज दिस, देयर वी गो, लजुली भी आ गया, सब आ गया। हमारा क्राफ्टिंग टेबल में होती क्या एन्चेंटमेंट, इतनी मेहनत लगाई मैंने ये करने के लिए, मैं क्राफ्टिंग टेबल में जाके एन्चेंटमेंट कर रहा हूँ। बूम बूम प्रोटेक्शन 1 एन्चेंटर, ओके हमने पहन लिया फुल्ली एन्चेंटेड डायमंड का आर्मर, सिया मज्जा नहीं लाइफ। एंड भाई लगे यार टूल्स भी तो कर लेंगे, सिल्क टच लूंगा, बिल्कुल भी सिल्क टच मत देना मेरे डायमंड के पिकेक्स में, अभी डिस एन्चेंट कर दूंगा, फॉर्चून दे देना, फॉर्चून के लिए सबसे आगे रहेंगे। शार्पनेस 1 नॉकबैक 1 शार्पनेस 1 ठीक है, शार्पनेस 1 ले लेते हैं और के पहले शार्पनेस 1 ठीक है, फॉर एक्सपेक्ट दे देते तो थोड़ा ओके। पिकेक्स लैपिस लाजूला अनब्रेकिंग 1 साथ में मिला है, कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू रे, एफिशिएंसी 1 ओ नाइस। मैं अपने पूरे टूल्स पूरा आर्मर हमने फाइनली अपना डायमंड का फुल्ली एन्चेंटेड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ हमारा लैपिस लाजूला। तो इस आज के वीडियो में आपने देखा कि आज हमने अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में अपना पूरा डायमंड का एन्चेंटेड आर्मर कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।